फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, 7 और 8 अगस्त को TGT का पेपर है और TGT के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और वहीं PGT का एग्ज़ाम जो है 17 और 18 अगस्त को है और उसका जल्द ही एडमिट कार्ड आने वाला है। और बहुत सारे ऐसे जिसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आ पाया है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि अब एडमिट कार्ड वो आने से भी नहीं रहा क्योंकि अब पेपर बहुत करीब है, इसका एडमिट कार्ड आने की कोई गुंजाइश नहीं है आपकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मनोबल गिरा लें या एक छात्र दूसरे छात्र का मनोबल गिराए। तो चलिए, मैं आज आपको एक अपडेट दिखाने वाली हूँ जल्दी से। ये देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd के चयन बोर्ड की TGT PGT 2021 को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। लिखित परीक्षा के दौरान अनियमितता होने पर तत्काल कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सोमवार को योजना भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग से तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि हर हाल में परीक्षाएँ शांतिपूर्ण, नकलहीन व पारदर्शी होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने सभी कुलपति, मंडल युक्त DM SP, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी JD व DIOS से कहा कि BEd 2021 की प्रवेश परीक्षा के साथ चयन बोर्ड की 7 और 8 अगस्त की TGT, 17 और 18 अगस्त को PGT की परीक्षा होनी है। सभी इम्तिहान पारदर्शी व नकलहीन कराई जाए। जिला अधिकारियों से कहा कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये टेंशन थी कहीं ऐसा ना हो पेपर में कोई नकल हो किसी भी प्रकार की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इन सब चीज़ों से अब रिलैक्स रहिएगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा, अपनी तैयारियों पे ध्यान दीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन अपने दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं करी है तो कर दीजिए, ताकि हर एक को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।